दोस्तों अनार बेहद स्वादिष्ट होता है और औषधीय गुणों से भरपूर भी, तो इसलिए अगर हम इसकी खेती के बारे में बात ना करें तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो चलिए क्यों ना आज हम अनार की खेती के बारे में बात करें। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत में अनार की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र में की जाती है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में भी इसकी काफी खेती की जा रही है। तो जब आप अनार की खेती करने जा रहे हैं तो पहले जान लें कि इसके लिए कैसी जलवायु उपयुक्त होती है। अनार अर्ध शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है, लेकिन इसके फलों का अच्छा विकास गर्म और शुष्क जलवायु में होता है। जब तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसके फल अच्छे से बनते हैं। बात अगर हम इसके लिए भूमि की करें तो वैसे तो अनार अनेक प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिस खेत में आप अनार लगाने जा रहे हैं वहां पर जल निकासी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी किस्मों की। तो इसकी मुख्य किस्में हैं गणेश, ज्योति, मृदुला, भगवा, अरक्ता आदि। दोस्तों वैसे तो अनार को आप बीज के द्वारा भी लगा सकते हैं, इसकी कलम या गुट्टी भी आप लगा सकते हैं और अनार टिश्यू कल्चर से भी लगाया जा सकता है। ध्यान रखें कि जब आप इसे कलम या गुट्टी से लगा रहे हैं तो पहले इसे उपचारित अवश्य कर लें। अब बात आती है इसकी रोपाई की। इसकी रोपाई इस बात पर निर्भर करती है कि जहां आप अनार लगा रहे हैं वहां की जलवायु कैसी है। वैसे आम तौर पर इसे 5x5 मीटर या फिर 6x6 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, लेकिन अगर आप इसकी सघन खेती करना चाहते हैं तो आप इसे 5x3 या 5x2 मीटर की दूरी पर भी लगा सकते हैं। पौध लगाने के एक महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। करना क्या है जान लीजिए। एक महीने पहले इसके लिए 60x60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे इसके लिए खोद लें। अब इन गड्ढों को आप 15 दिन के लिए खुला छोड़ दीजिए। 15 दिनों बाद इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, गड्ढे की ऊपरी मिट्टी, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भर लें। फिर इसमें सिंचाई कर दें। जब मिट्टी बैठ जाए तो इसमें पौध की रोपाई कर दें और पौध रोपाई के तुरंत बाद इसमें सिंचाई भी कर दें। लेकिन अगर आप अनार की ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आप इसमें मिट्टी के साथ रासायनिक खाद ना मिलाकर इसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं। और कंपोस्ट तो आप जानते ही हैं कैसे तैयार करते हैं, जिसमें आप गाय का गोबर, नीम, धतूरा, आक आदि मिलाकर बनाते हैं। बात करें अगर हम इसकी सिंचाई की तो अनार के पौधे वैसे तो सूखे की स्थिति भी सह लेते हैं और इसकी खेती में 43% तक पानी की बचत भी होती है। फिर भी वर्षा का मौसम अगर नहीं है तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप इसकी सिंचाई करें और ड्रिप सिंचाई इसके लिए सबसे अच्छी रहती है, तो आवश्यकता के अनुसार आप इसको ड्रिप सिंचाई करते रहें। अगर हम बात करें इसमें कीट नियंत्रण की तो आप इसमें ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल ना करें। इसमें आप मेलाथियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसके लिए फेरोमोन ट्रैप है, आक, धतूरा, नीम आदि का स्प्रे है, आप इसी से ही कीट और रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे इस पर मधुमक्खियां नहीं आएंगी, तो आपकी पैदावार पर इससे असर पड़ सकता है। समय समय पर इसकी कटाई छटाई करते रहें और यदि अनार का पेड़ 1 वर्ष से अधिक का हो गया है तो कटाई छटाई से जो डंडियां प्राप्त होती हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप उनसे भी आमदनी बना सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी बताती हूँ आपको। जो कटाई छटाई करने के बाद में डंडियां बचती हैं, आप इससे कलम बनाकर इसकी पौध तैयार कर सकते हैं और इसकी एक पौध 30 रुपए से 50 रुपए के बीच में बिकती है, तो आप उससे एक एक्स्ट्रा इनकम भी ले सकते हैं। अब बात आती है इसकी तुड़ाई की। तो ध्यान रखें कि जब फल पूरी तरह से पेड़ पर ही पक जाए तभी इसकी तुड़ाई करें। दोस्तों चाहे आप कोई भी फसल उगाएं, अगर आप इसे बिचौलियों को बेचते हैं तो आपका लाभ उतना नहीं हो सकता। आप इसे डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचें या फिर आप इसकी प्रोसेसिंग करके बाजार में बेच सकते हैं। तो अनार की खेती में भी मैं यही कहूंगी कि आप अनार या तो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचें या फिर आप कोई अपनी एक छोटी सी जूस की दुकान खोल लें,
वहाँ से आप अनार भी बेच सकते हैं और इसका जूस भी बेच सकते हैं। साथ ही आपके यहाँ पर एक साथ 2 से 3 लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी।